का वजीर आजम साहब क्यों बस देते हैं? देखिए, कभी भी कोई सियासत से जाती अल्लाह के ऊपर नहीं की जाती। जब सियासत में आता है और सियासत में होता है तो दुश्मन से बात होती है। ये एक बेवकूफ़ी है। और जब इमरान जो है मोदी के साथ पाकिस्तान के दुश्मन के साथ बैठ सकते हैं तो ज़ाती इख्तलाफात वाला बात बिल्कुल और किस्म की हो जाती है। फिर ये ज़ाती इख्तलाफात सियासत में हर पार्टी का एक दूसरे के साथ सख्त तरीन इख्तलाफात होते हैं। हमारे इमरान के साथ सख्त इख्तलाफात थे तो उसके बावजूद भी जो पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग हुई उसमें खुद वो नहीं आया, हम गए। जब पार्लियामेंट के अंदर आए तो उसने हाथ मिलाया तो सबने उससे हाथ मिलाया, ही नहीं कहा कि तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे या उसने कहा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है जो उसकी पूरी वायलेशन कर रहा है प्राइम मिनिस्टर। और जब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन प्राइम मिनिस्टर करे तो मेरी बात समझ में नहीं आती। और बरक्स उसके ये खुद कहता है कि दुश्मन मुल्क के वजीर आजम से मैंने 6 मरतबा रब्ता किया, उसने रब्ता नहीं किया। तो उस दरमियान एक अहम कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की, और जिसमें उसको रब्ता करना है, खुद डिस्कशन के लिए करना है। ये नहीं है कि किसी की ड्यूटी लग जाए वजीर की और फिर किसी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो नाम भी रद्द कर दे और उसके बाद फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपनी साइन करके नाम भेज दे। तो वो यकीनन कल हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हमने रिफ्यूज़ करके भेजा कि जी इसकी प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए, जो तरीक़ेकार है होनी चाहिए। जब मैं था तो 2-3 किस्म के मौके आए, इसमें नवाज शरीफ और हम बैठे और बिल्कुल अमिकबली बड़े अच्छे तरीके से हो गए। तो अगर वो नहीं बैठता और तो हमने भी कल लेटर लिख दिया है, नहीं बैठता तो चलो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट कमेटी उस पर फैसला कर लेंगे। क्योंकि तो